मतलब अट्रैक्शन से कैसे हटें, पहली बात यह है ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। इतना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, ठीक है ना। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो ऐसे होना चाहिए बच्चों, जिसके अंदर ये चीज है वो बच्चा सच में कर दिखाएगा। अट्रैक्शन से कैसे हटें, भक्ति करो, भक्ति भगवान की भक्ति करो। देखो मेरे बच्चे, गलत अट्रैक्शन से कैसे हटें, पहली बात यह है ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, ये कोई गलत चीज है नहीं। हमें सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यानी हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मतलब फालतू वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखो कि जो आदत है वो वाकई सिर्फ आपके साथ है या सबके साथ है। तो ये चीजें मतलब कि लगभग कह सकते हैं कि 98% लोग हैं, 2% को छोड़ देते हैं, दो भी क्यों छोड़े, हमको लगता है कि 99% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर क्या आपके मन में ऐसा चीज आता है थॉट बच्चों, क्योंकि इस एज में ना बहुत ज्यादा थॉट आता है उस टाइप का, मतलब गंदा तो नहीं कह सकते, उस टाइप का जिस एज में हम जाते हैं, इस एज में बहुत सारा मतलब ना वो हार्मोन रिलीज होता है हमारे अंदर, तो एक दूसरे लिंग के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर लड़की है तो उसको बहुत लड़का के साथ बात करना अच्छा लगता है, दोस्त बनाना अच्छा लगता है, उनसे प्यारी प्यारी वो फिल्मी वाली बातें करना कि मैं तुम्हारे लिए चांद वो वाला, मैं आपके घर पे सेवा करूँगी, मैं रोटी बना के खिलाऊंगी आपको, इस टाइप का लड़का है तो उस टाइप का थॉट आता है मन में कि हाँ भाई हम जो है ना क्या हम आपके लिए चांद तोड़ के ला देंगे, अपना घर में मारपीट कर लेंगे, ठीक है, हम ये सब कुछ करके हम आपके लिए ही, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे याद रखना, जो लड़कियां होती हैं अगर वो आपको ये कह रही हैं कि मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में, मैं आपको सबसे अच्छा मानती हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। वैसे लड़की के साथ जीवन में कभी आप आगे फ्यूचर मत सोचना, क्योंकि जो लड़की अपने माता पिता की नहीं हुई, जिन्होंने उनसे अपने उदर से अपने पेट से जन्म दिया है, जिस पापा ने उन्हें गोद में खिलाया है, पर उनकी नहीं हुई तो वो आपकी कभी नहीं होगी, पहली बात है, वो है ही नहीं आपकी, पहली बात है। और कोई लड़का ऐसा कह रहा है कि आप मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बनने वाले हो, तो ये भी गलत बात है कि वो लड़का जिसको उनके मानने पापा ने उनको, मम्मी ने जन्म दिया, पापा ने पढ़ाया लिखाया, उसको नहीं मानता तो वो आपको नहीं मानेगा। तो इस सच्चाई को आप देखो, इस एज मतलब कि आप मनुष्य हो तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण जरूरी है, वो होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो गड़बड़ी है। हो रहा है अगर आपको लड़कियों को लेकर के वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं, फालतू के वीडियोस देख रहे हैं, कुछ गंदी टाइप की वीडियोस आप देख रहे हैं, ये हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एक नेचुरल इंसान हो, नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। अब उसको कंट्रोल कैसे करें, यहाँ पर फोकस होना चाहिए। अब लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खाली पढ़ने से नहीं होता, ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो एक लड़का और एक लड़की इस एज में लड़ रहा है अभी, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं जब बच्चों 10th में पढ़ता था, 11th 12th में, तो देखते थे दुनिया में सब लोग बात ये कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ये कोई बात नहीं कर रहा है कि सर जिस इस एज में भाई पर जो मन नहीं लग रहा है इसका क्या करें, सबको कह रहा है पढ़ो, लेकिन ये नहीं कोई बता रहा है कि वहां से ध्यान कैसे हटाएं, जहां पर ध्यान बार बार जा रहा है जिस चीज को लेकर के उसको कैसे हटाएं। कोई ये नहीं कह रहा है कि अभी से ही हमारे मन में तमन्नाएं हो रही हैं कि हम विवाह करें, अभी से हमारे ख्वाब बन रहे हैं कि हम उनके साथ शादी करेंगे, हम इनके साथ करेंगे, ठीक है। तो कम पहली बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप इस एज में किसी लड़की की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या आप एक लड़की हैं और आप एक लड़का की ओर आकर्षित हो रही हैं, या आपके मन में इस प्रकार के कोई थॉट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत नेचुरल है, पहली बात ये समझिए। ये मेरे साथ भी होता है और हुआ भी है और आगे भी होगा मेरे साथ, और जितने भी लोग आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। अब आप कहते हैं नहीं सर, APJ अब्दुल कलाम ऐसे थे जिनके साथ ऐसा नहीं था, तो आप देखने तो नहीं गए थे, और ऐसा शायद ही कोई होता है, करोड़ों में कोई एक होता है। आप कहें नहीं सर, मोदी जी एकदम विवाह नहीं किए हैं, उनको देखिए, अब उनके मन में क्या घिचपिच चल रहा है वो तो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एक जाने ये चीज होता है बच्चों। अब ये सर इसके ओवरकम कैसे करें, इससे बचे कैसे, तो बच्चों पहली बात है कि आप अपने आप को, माइंड को ये चीज बताइए, ये कोई गंदी चीज नहीं है, कोई गंदा थॉट नहीं है, ये बहुत स्वस्थ है, लेकिन अभी मेरे लिए जरूरत ये है कि अभी हमें पढ़ाई पर फोकस करना है। बच्चों देखिए, हर लड़का इस धरती पर पैदा लिया है
उनका विवाह कहीं ना कहीं होना है, और हर लड़की जो इस धरती पर पैदा ली है उनका कहीं ना कहीं विवाह होना है। तो प्लीज़ आप घबराइए मत, और आप ये मत समझ लीजिए कि नहीं यही इंसान है, अरे अगर ये हमको नहीं मिला या यह नहीं मिली तो मेरा कहीं शादी नहीं होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। कहते हैं रिश्ते जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं, जिस समय हम पैदा होते हैं, उसी समय हमारे जीवन का पूरा खेल तय हो जाता है कि क्या क्या जीवन में होने वाला है, ठीक है। तो वो तय है कि इनके साथ विवाह होना है नहीं है, वो जैसे होगा हो जाएगा। और बच्चों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो इंसान अपने माता पिता के लिए अच्छा नहीं है वो आपके लिए भी नहीं होगा, तो किसी के लिए अभी प्लीज़ आप इस एज में किसी को टाइम मत दीजिए, हम ये कहेंगे इस एज, क्योंकि आप अभी कुछ किए ही नहीं है ज़िंदगी में, आप तो अभी पैदा लेकर के छोटू सा नन्नू सा प्यारा सा बच्चा है। तो अपने आप को ये बोलिए कि हाँ जो भी थॉट्स मन में आ रहे हैं इस थॉट को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आप अपने आप को ये बोलिए कि हाँ कुछ दिन बाद हम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, तो फिर बहुत अच्छी ऐसी सुंदरी देख करके विवाह कर लेंगे। ये लड़कों के लिए है, पर लड़कियां हैं आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, थोड़ा दिन अपने आप से वो जंग लड़िए, और अगर आपके अंदर में विचार आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी अलग अलग मतलब हो ना जेंडर को लेकर के, तो आप अपने आप को ये मत कोसिए कि हम बहुत गंदे इंसान हैं, ये सब में आता है इनफैक्ट मेरे में भी आता है, ठीक है। मेरे से ज़्यादा मैं क्या, आप लोग ज़्यादा मैं बोलता हूँ इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा समझते हो, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे लिंग को लेकर के आपके मन में गंदे थॉट्स आ रहे हैं, हाँ भाई इसके साथ ये है सेक्सुअल रिलेशन ये वो वगैरह, अगर आपके अंदर वो थॉट आ रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आप गंदा आदमी हैं, आप गंदे इंसान नहीं हैं, ये सब के साथ होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, साफ सुथरा इंसान है और हाँ हम ये कहेंगे कि जितने बच्चे कम से कम मेरे पास पढ़े हैं, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा, आप लोग ज़रूर मानिएगा मेरी बात, अभी बच्चों आप लोग अपने पसंद से ही विवाह करें, लेकिन जब आपका एज हो तो आप विवाह ज़रूर करेंगे, और मुझसे वादा कीजिए आज कि आप में से कोई भी इंसान अपने माता पिता के खिलाफ जा करके ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके मम्मी को पापा को और बच्चों मतलब कि उनको दुख सहना पड़े। मैं देखता हूँ छोटी छोटी लड़कियाँ घर से भाग जाती हैं लड़कों के साथ और वहाँ से वीडियो बना के डालती हैं, देखिए मेरा नाम ये है और मैं इसके साथ इट्टापुरी के साथ मैं भाग करके, ऐसे वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूँ ना मुझे आश्चर्य लगता है ऐसे वीडियो बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं, ऐसे भागते ऐसे बनाते हैं, हाँ हेलो नमस्ते मेरा नाम ये है और मैं इनसे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों भाग करके शादी कर लिए हैं और इसमें इनका हंसना मत तुम लोग चुप हो, इनका कोई दोष नहीं है, है ना, मतलब इनका इसका इसमें कोई मतलब गलती नहीं है, सारा गलती मतलब मेरे माता पिता का है, मेरे माता पिता का है, मेरे माता पिता चाहते हैं कि हम दोनों शादी नहीं करें, मेरे माता पिता हम इसलिए भाग के शादी कर लिए, नहीं तो मेरे माता पिता हम दोनों को मार देते, ठीक है। अब भाई साहब देखो ये चीज़ें जीवन में जिस दिन हो गया उस दिन आप मुझे गुरु नहीं बोल सकते हैं, उस दिन मैं आपका गुरु वाला जो जो भाव है मैं उसका आदेश आपको नहीं दूंगा, मैं आपको शिष्य नहीं मानूंगा। तो प्यारे बच्चों प्रॉमिस कीजिए कि महोदय ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी भाग करके विवाह करना बच्चों आप सोचो उस माता पिता पर क्या बीतती है, हाँ है अगर आपको इन फ्यूचर अगर कोई आपको अच्छा लग जाए तो आप उसके बारे में घर पे बोलेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ है, लेकिन फ्यूचर सोच करके अभी नहीं, जब आपका जो जो एज है जो गवर्नमेंट ने एज तय किया है उस एज में जाएंगे, देखो अपना टाइम आएगा अभी आप 15 साल के बच्चे हो अपने आप को ये बोलो कि अपना टाइम आएगा, यानी हमें ये सब कब करना है, आप एक लड़का है मिनिमम आप 21 साल के हो गए, लड़की है मिनिमम 18-19 साल के आप हो जाएं, 19-20 साल की, तब आप ये सब थॉट मन में आने दीजिएगा, ठीक है। तो शांति से अपने आप को बैठाओ, बोलो देखो बेटा, अपने आप को बोलो बेटा देखो अभी तुम बच्चे हो, बहुत छोटे नन्नू सा लुच्चू सा बच्चे हो, तो उम्र तुम्हारा 21 साल हो जाए तब ये सब चीज़ सोचना, है ना। दुनिया में अनगिनत लोग हैं, आप सक्सेस हो जाओ फिर लोग बहुत मिलेंगे, आप लड़की हो तो अपने आप से ये बोलो देखो अभी हमें रुकना चाहिए कुछ दिनों तक, 18-19 साल के बाद ये सब सोचना है, और हमेशा जो भी सोचो बच्चों, है ना, जो भी सोचो वो अपने माता पिता के हित में होना चाहिए,
तो इससे डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे हो? तो अभी तो दूर हो ना, अपना टाइम आएगा, अपने आप को यही बोलो, हाँ अपना टाइम आएगा, अभी हम छोटे हैं, हाँ अभी हम बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी वो चीज़ करेंगे। अभी तो आप सोचते होंगे हाय फिल्म में हीरो हीरोइन के लेके घूम रहा है, कितना मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, वो मज़ा आपको भी आएगा, वो मज़ा आपको भी आएगा, और हीरोइन को घुमाने में कितना वो जतन करना पड़ता है, कितना पैसा खर्चा होता है, ये सब बाद में आप समझेंगे। तो अपने आप को बोलो अपना टाइम आएगा। अगर आपके मन में दूसरे लिंग के प्रति कुछ बुरी भावना आ रही है तो ये सबके साथ होता है, बस ये अपने आप को बोलो अपना टाइम आएगा, पढ़ाई पर हम फोकस करते हैं। जैसे ही आपका एज हो जाएगा 21 साल, 18, 19, 20 साल हो जाएगा, अगर आप लड़का हैं 21, 22 साल, लड़की हैं 19 साल, 18, 19 साल हो जाएगा, तो आपके घर वाले भी परमिशन देते हैं कि हाँ अपना सजीवन साथी ढूंढिए, या घर वाले ढूंढ करके स्वयं करा देते हैं। तो अभी बच्चों हमारा जो कर्तव्य होता है, हमारा जो कर्तव्य होता है, ध्यान दीजिए, हमारा कर्तव्य किसके किसके प्रति है? सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है बच्चों अपने देश के प्रति, सबसे पहला है हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। फिर हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं उस राज्य के प्रति कर्तव्य है, जिस जिले में जन्म लिए हैं जिले के प्रति कर्तव्य है, उसके बाद बच्चों आप कह सकते हैं इस भूमि के प्रति पूरा कह सकते हैं, अपने गाँव में जहाँ आप गाँव गाँव के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य होता है, उसके बाद बच्चों अपने माता पिता के प्रति भी कर्तव्य होता है, माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, और प्यारे बच्चों हमारा जो है अपने अपने परिवार के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, ठीक है ना, उसके बाद है ना। तो ये सब कर्तव्य हम भूल जाते हैं, ये सब भूल जाते हैं, पर हमें एक के ठो वादा रहता है, एक के प्रति याद रहता है, लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़का के प्रति, है ना, कि हम तुम्हारे लिए छत से कूद जाएंगे, हम तुम्हारे लिए फांसी लगा लेंगे, ये कर्तव्य हमें याद रहता है, ठीक है। तो हमारा बच्चों इन सभी के प्रति जो कर्तव्य है, पहले इनको भी पूरा करना है, ठीक है, उसके बाद बच्चों ये प्रति है ना, ये कभी भी आप जीवन में कभी भी किसी को, जब भी आप बात करें आगे चल करके, आप किसी लड़की से बात करेंगे, आप लड़का हैं तो, और लड़की हैं तो लड़का से, कभी ये बात मत, आप उनको कभी मत ये बात बोलिए कि आप मेरे जीवन के सबसे बेस्ट हैं, आप उनको हमेशा बोलिए कि आप हमारे माता पिता के बाद बेस्ट हैं, ठीक है, कि पहला माता पिता ही होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कोई आता है, मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले, मेरे देश, मेरे राज्य, मेरे जिला, मेरा गांव, समाज, इनके बाद आपका स्थान है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि यू आर माई लाइफ, है ना, हम बोलते ना कि हम तब तक जीना चाहते हैं, कैसे साइडी है पता नहीं, वो साइडी संबंध बताइए किसी को, ठीक है ना, चलिए ये सब चीज, इतना सच कोई नहीं बोलता है, आपका इतना सारा गुड नहीं, हम सच नहीं कहते बच्चों, हम एकदम डीपली बात करते हैं, हम कभी आपको फालतू चीजों पर नहीं बताएंगे। इस एज में हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे, हमारे मन में बहुत सारे थॉट आते थे, भाई हमारा हमारा भी विवाह हो जाए कहीं, हमारा भी विवाह कभी किससे होगा, कैसी लड़की होगी, क्या होगी नहीं होगी, हमारा भी वो माइंड में उस टाइप का सेक्सुअल रिलेशन आता था, क्योंकि जब हार्मोन ना, ये सब आप नहीं कर रहे हो, ये सब आपको आपका हार्मोन करा रहा है, अलग अलग टाइप के जब हार्मोन बनते हैं शरीर में, तो मन करता है कि हाँ भाई हमारा भी सेक्सुअल रिलेशन बने किसी के साथ, इस टाइप का होता है। और अपने आप को बोलो अपना टाइम आएगा अच्छे से, हाँ अभी पढ़ाई पर फोकस करो। चलिए, आप बच्चे बहुत सारे पूछते हैं, एक कमेंट इसका भी मैं आज जवाब देता हूँ, महोदय आपका GF है कि नहीं, ये क्या होता है GF, मतलब ये आपका GF है कि नहीं ना, देखो लोग इसको बना लिए, जी से होता है गर्ल, क्या होता है गर्ल, एफ से होता है फ्रेंड, है ना बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो लड़की दोस्त, आयल से लड़की दोस्त, बच्चों लड़की दोस्त, अब लोग इसको ना गलत बना दें, लड़की दोस्त तो बहुत सारे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो लड़कियां तो दोस्त बनती ही हैं। अब आप एक जो समाज है ना, जो इंटरनेट है ना, ये GF का मतलब होता है वो वाला जिसके साथ हमारा सेक्सुअल रिलेशन हो, GF का मतलब लोग समझते हैं वही लड़की जिसके साथ में हमारा सेक्सुअल रिलेशन हो। मेरे बच्चे मैं एक चीज बता रहा हूँ, सबसे पहली बात, ये GF का मतलब कभी ये मत समझो, ये लड़की दोस्त होती है और बहुत सारे होते हैं, बहुत हुए हैं हमारे साथ, देखें तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे उस समय के 2-3 दोस्त हैं हमारे बचपन में जो अच्छी अच्छी रही हैं, कभी मिलती हैं तो फिर बातें होती, हाँ जी क्या हो रहा है जीवन में आपका, हम लोग 10th क्लास की बात करते हैं, 10th क्लास में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, अभी सब लोग मुझे जहाँ भी मिलती हैं तो क्या हाल है मास्टर साहब, क्या हाल है टीचर जी, ऐसे करके बुलाती हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये आप गंदे थॉट्स आप निकाल दो,
अभी हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, हाल फिलहाल में बहुत सारी वहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियों से हमारी दोस्ती हुई, ठीक है ना, तो उस टाइप की दोस्ती है। और लेकिन जहाँ देखो बच्चों, अगर आप इस मानसिकता के साथ देखते हैं तो हम बिहार वाले हैं, हम बिहार वाले हैं, हम बिहार वाले हैं, हम जीएफ नहीं बनाते, ध्यान सुनना, हम बिहार वाले हैं, हम जीएफ नहीं बनाते, हम डायरेक्ट पत्नी बना लेते हैं हम डायरेक्ट पत्नी बना लेते हैं, ठीक है।